at the age of 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाएं आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं नो को इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज्यादा दिन देखिए, मैं मेरे मुझे बुरा लगा कि तिवाड़ी जी ने ये कहा खड़गे जी का नाम मल्लिकार्जुन है, क्या है? और मल्लिकार्जुन ये शिव का नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं हूँ, एक हूँ बोलना क्या हूँ, नहीं एक तो मेरा नाम मेरे बाप ने सोच समझ के ही रखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मेरे बेटे का नाम रहने। ऐसा उन्होंने टीका की। अगर मैं निकालूंगा कितने यहाँ परिवार वाले बैठे हैं, पूरे के नाम निकालूंगा, मेरे आंखों के सामने है, मेरे बाजू में है, मेरे पीछे है, सब जगह है। सर सर एक बार क्यों वो एक्सपेंज करना चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। इश्यू इज दैट कल मैं यहाँ लास्ट मोमेंट में हाउस एडजर्न होने से पहले मैं यहाँ नहीं था। उस वक्त एक माननीय सदस्य ने घनश्याम तिवारी जी तिवाड़ी ने यहाँ पर इस सदन में एक समस्या उन्होंने उठाई। शायद उनके मन में क्या था मुझे मालूम नहीं, तो ये पॉलिटिक्स में ये पहला जनरेशन है मेरा मैं खुद ही अकेला ही पॉलिटिक्स में हूँ। इसके पीछे मेरे बाप नहीं थे और मेरी माँ नहीं थी कोई, वो तो सब मर गए थे, मेरे पिताजी एक ही बचे थे। तो लेंड योर यस टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोजीशन एंड आई विल नॉट बियर आइदर साइड। उन्होंने मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा और मैं लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल। अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाएं आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं नो को इस माहौल में मैं और जिंदा ज़्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज़्यादा दिन देखिए, मैं मेरे मुझे बुरा लगा कि तिवाड़ी जी ने ये कहा खड़गे जी का नाम मल्लिकार्जुन है, क्या है? और मल्लिकार्जुन ये शिव का नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं हूँ, एक हूँ बोलना क्या हूँ, नहीं एक तो मेरा नाम मेरे बाप ने सोच समझ के ही रखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मेरे बेटे का नाम रहने। लेकिन मैं एक ही मेरे फैमिली में पॉलिटिक्स में आया, स्टूडेंट मोमेंट में आया और लेबर मोमेंट में आया, फिर कांग्रेस का सदस्य बन के मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 25 बना। तो मैं चाहता हूँ इनको क्या दिक्कत है कि मेरे बारे में उन्होंने कहा, उनका नाम है मल्लिकार्जुन और शिवा का नाम है, ये इनकी खानदानी पूरा पॉलिटिक्स में है, और ये खानदानी ये इन्हें परंपरा क्या बोलते फैमिली परिवारवाद ये ऐसा उन्होंने टीका की। अगर मैं निकालूंगा कितने यहाँ परिवारवाद बैठे हैं, पूरे के नाम निकालूंगा, मेरे आंखों के सामने है, मेरे बाजू में है, मेरे पीछे है, सब जगह है। सर सर एक बार और क्यों वो एक्सपेंज करना चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, सदन का हर सदस्य सम्मानित है और माननीय खड़गे जी का जीवन करीब 6 दशक तक सार्वजनिक जीवन का है, ये मैं सदन में कई बार कह चुका हूँ और
इधर भी बहुत सम्मानित सदस्य हैं, कोई भी ऐसा शब्द जो माननीय खड़गे जी को आहत करता है वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, उस समय मैं कुर्सी पर था, मैं चर्चा करूँगा आपसे माननीय घनश्याम तिवारी जी का, एक से प्लीज़ माननीय घनश्याम तिवारी जी का भी सार्वजनिक जीवन काफ़ी लंबा है, वो करीब 4 दशक तक राजनीति में हैं और संसदीय व्यवस्था में हैं। उनका ऐसा मानस हो सके मैं नहीं मानता, फिर भी मैं बारीकी से अध्ययन करूँगा और कोई भी ऐसी चीज़ पर मैं एक बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, उस समय जब हाउस में बोला गया मैं चेयर पर था, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके बारे में कुछ अपशब्द करें, फिर भी मैं देखूंगा। सर जयराम जी, खड़गे जी आपके सदस्य कुर्सी में बैठे बैठे डिस्टर्ब करते हैं, इतना गंभीर मामला है, यदि अगर कोई बात खड़गे जी को छू गई उस बात का मैं बारीकी से अध्ययन ही नहीं करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि सदन, दिस इज नॉट अ बैटल ग्राउंड, वी आर नॉट एनिमीज ऑफ ईच अदर, हम कोई विरोधी नहीं है, सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष है, अनुभवी लोगों की कमी नहीं है। एंड मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मेरे व्यक्तिगत वार्तालाप में भी सदन के नेता माननीय नड्डा जी ने आपके बारे में कितनी बातें कही हैं। आपका जीवन है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपकी वकालत की शुरुआत कहाँ हुई अपने व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर चुके हैं, जिन महानुभाव ने की वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जब मैं कर्नाटक गया तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे सामने वकालत की है, राजस्थान हाई कोर्ट में की है, सुप्रीम कोर्ट में की है, आपके जो राज्यसभा लोकसभा में रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय तक उन्होंने मेरे यहाँ शुरुआत की थी। तो आपको आहत करने की कोई भी सदस्य सोचे मुझे नहीं लगता, मुझे भी पीड़ा हुई देखिए कुछ मामलों में, माननीय SD देवगौड़ा जी ने कभी नहीं कहा, पर इनके बारे में भी जब कहा गया मुझे बुरा लगा, पर तब मैं इसलिए नहीं बोला कि हाउस उद्वेलित था, माननीय SD देवगौड़ा जी हैं पूर्व प्रधानमंत्री, आप हैं, आप उन लोगों में से हैं जो इस हाउस को सुशोभित करते हैं, उन लोगों से हैं जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, तो मैं गंभीरता से देखूंगा। और चूंकि इसलिए मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि मुझे माननीय घनश्याम जी तिवारी जी के साथ विधानसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला है 1993 से 1998, उनके मन में ये बात आ नहीं सकती है, मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं इसको बारीकी से देखूंगा। श्री मैं